नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नेशन न्यूज में और मैं हूं आपके साथ ऋतिक। बात कर रहे हैं अब हम बिहार विधानसभा चुनाव की। 2020 का ये चुनाव अपने आप में एक ऐतिहासिक चुनाव होने वाला है क्योंकि ये कोरोना काल में हो रहा है। वहीं चुनाव के बीच में हरेक पार्टी बढ़ चढ़ कर कैंपेन भी कर रहे हैं, वहीं हरेक नेता हर जगह जाकर बिहार के कोने कोने में जनसभा को भी संबोधित कर रहे हैं। और इस वक्त केंद्र में जो सरकार है बीजेपी की और जो दिल्ली से सांसद है मनोज तिवारी, बिहार के लाल हैं, वो बिहार चुनाव में ना कूदे ये हो ही नहीं सकता। भले वो दिल्ली जा गए हैं, चले गए हैं, वहां जाकर बस चुके हैं, लेकिन बिहार उनके अंदर से गया नहीं है। और इसी बीच में उन्होंने एक बीजेपी के लिए एक कैंपेन गाना जो है उनका, उन्होंने वो लॉन्च कर दिया है। वो भी क्यों, जब बाजार में, मार्केट में जब कांग्रेस के कैंपेन के लिए गाना लॉन्च किया गया तो उसको देखते देखते कुछ ही दिनों में बीजेपी ने भी ये गाना अपना लॉन्च कर दिया है। और इस गाने को गाया है मनोज तिवारी, जो कि सांसद भी है दिल्ली से। और ये जो गाना है इसको आप सुनेंगे, 8-10 मिनट का ये बहुत बड़ा गाना है, लेकिन इस गाने में उन्होंने पूरा वो जो नीतीश सरकार का, एनडीए सरकार का जो कार्यकाल है, केंद्र सरकार का जो कार्यकाल है, उसका पूरा बखान किया है। और इस गाने को आप सुनेंगे तो समझेंगे, क्योंकि ये गाना जो है ये उन्हीं के चर्चित फिल्म गैंग्स ऑफ वासेपुर का जो गाना था जिया हो बिहार के लाला, उसी गाने के बोल हैं, बस शब्द अलग है। और ये गाना अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल भी हो रहा है, लोग इसको खूब पसंद भी कर रहे हैं। और आप, मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप भी सुनेंगे तो आप भी इसे पसंद जरूर करेंगे। और इस गाने में अगर मैं कहूँ आपको, तो इस गाने में उन्होंने बढ़ चढ़ कर जो भी कार्यकाल में अपने, एनडीए सरकार के कार्यकाल में नीतीश सरकार ने किया है, उनके कार्यकाल को दिखाकर इस गाने के थ्रू उन्होंने वोट मांगने की भी कोशिश की है। और अब ये जनता को तय करना है, क्योंकि ये बात तो हम सब जानते हैं कि पब्लिक है, सब जानती है, और पब्लिक को पता है कि किसे वोट देना है किसे नहीं। तो अब जनता किसको वोट देगी ये भी आने वाला वक्त बता देगा, क्योंकि अब चुनाव में, मतदान में अब वक्त बचा नहीं। आज 21 है और 28 तारीख को, याद कर लीजिए दोस्तों, 28 तारीख को पहला मतदान होना है, 3 को दूसरा और 7 को तीसरा मतदान होगा। और 10 नवंबर वो ऐतिहासिक दिन आएगा जब पता चल जाएगा कि बिहार में आखिर किसकी सरकार बनेगी। क्या मनोज तिवारी का ये गाना, जो कि वो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, क्या उनका ये जो कैंपेन, बीजेपी कैंपेन का गाना है, इस गाने से वो बिहार की जनता को लुभा पाएंगे, अब ये आने वाला वक्त बताएगा। और 10 नवंबर को पता चलेगा कि आखिर सरकार किसकी बनेगी। सुना हो बिहार के भैया, दीदी चाची सब रहवैया, ए हो सुना हो बिहार के भैया, दीदी चाची सब रहवैया, लोकतंत्र के रखवैया, सुना हो बिहार के भैया, ए हो भाभी भैया, दीदी चाची हो, दादा दादी हो, फिर से बीजेपी पे आशीर्वाद बनाओ ये भैया, अपने एनडीए के संगे कदम बढ़ाओ ये भैया। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत और देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, और बिहार विधानसभा चुनाव के भी लेटेस्ट अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, और देखते रहिए नेशन न्यूज। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।